हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। हमारा दूसरा वीडियो है कि जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ 2020 और 21 के सिलेबस के लिए और ईयर के लिए क्या हो गया है, सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। क्यों? क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हमारे स्कूल्स कॉलेजेस क्या है, बंद है। ये वीडियो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है, यानी जो लोग ये किताब यूज कर रहे हैं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है। मैं इसलिए किताब दिखा रहा हूं क्योंकि उसका कंफ्यूजन हमें बहुत ही कम करना है। आ गया समझ में? तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पार्ट वन के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से वेव ऑप्टिक्स तक का पूरा वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और हर एक टॉपिक को क्या करते रहिए, मार्क करते रहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा टॉपिक क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट बुक लेते हैं हम साथ में। और एक याद रखिए, ये नीट के तरफ से कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या हो गया है, कट हो गया है। यानी हम क्या कह सकते हैं, पेज नंबर 194 एंड 195 क्या हो गया है, हमारा कैंसिल आउट हो गया है। तो सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या चला गया। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पूरा टॉपिक ही क्या हो गया है, चला गया है। ये पूरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा बाजू में रख लेता हूं, अगले चैप्टर से हम टेक्स्ट बुक के साथ में चलेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस, ये जो 199 पे पूरा कंसेप्ट था वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट का पेज नंबर 208 पे जो टॉपिक था वो भी कैंसिल हो गया। वेंडीग्राफ जनरेटर का पेज नंबर 210 और 211 ये जो टॉपिक था ये भी क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका। मैंने बस ये चार टॉपिक बोले हैं कि जो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये पीडीएफ के हिसाब से मैं बोल रहा हूं जो स्टेट बोर्ड की तरफ से हम सबको मिली थी, आपको भी मिलेगी अगर आप साइट पे लॉग इन कर लीजिए, लेकिन मैंने आपके लिए यहां पे चीजें आसान कर दी हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके बाद के चैप्टर के लिए देखते हैं। इसके बाद का हमारा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर एज इट इज है, पहले ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें कहो उन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। तो ये पूरा चैप्टर एज इट इज है। इसके बाद में जो चैप्टर हमारे पास आता है जिसमें हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में अब देखते हैं एक बार। तो अगला हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत कम टॉपिक इसका भी रिड्यूस हुआ है बेटा, सिर्फ साइक्लोट्रॉन मोशन करके जो टॉपिक है हमारा पेज नंबर 232 से लेकर 234 तक, ये टॉपिक जो है हमारा कैंसिल हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन पार्ट जो है वो क्या कर दिया, इन्होंने कट कर दिए हैं। और इस पे ही डिपेंडेंट पेज नंबर 234 पे ही एक हेलिकल मोशन करके टॉपिक है। यानी बेटा क्या क्या कैंसिल आउट हुआ है देखिए आप, 10.3 एंड 10.4 ये दो पॉइंट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कौन से चैप्टर से, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से। इसके बाद में का जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें से बहुत ज्यादा डिडक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं तो 11वां चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सबसे ज्यादा डिडक्शन इस चैप्टर में हमारे पास हुआ है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर बढ़ गया था, लेकिन पेज नंबर 251 पे जो पहला ही एक्सप्रेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पेज नंबर 251 से लेके 253 तक एक एक्सप्रेशन था जो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। इसके बाद में आपको समझ में आ गया, यानी पहला पूरा एक्सप्रेशन चला गया है इंक्लूडिंग ग्राफ वगैरह सब कुछ, ये इस पॉइंट तक पूरा वो चला गया है। बाद में पेज नंबर 257 पे, पेज नंबर 257 पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये पूरा टॉपिक पेज नंबर 257 से डायमैग्नेटिज्म, उसके बाद में पेज नंबर 258 भी चला गया, 259 भी चला गया, फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म दोनों टॉपिक चले गए। पेज नंबर 260 डोमेन थ्योरी भी हमारी चली गई, 261 तक ये पूरा टॉपिक चला गया। और 261 पे भी जो हिस्टेरिसिस का टॉपिक है वो भी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। यानी 261 भी गया, 262 भी गया है, और उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो 262 पे थे वो सब कैंसिल हो गए। यानी सीधे सीधे पेज नंबर 257 से आगे हमारा पूरा चैप्टर थियोरेटिकली जो था वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इस साल क्या हो चुका है बेटा, रिड्यूस हो चुका है। आगे आपको समझ में? तो ये रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन था, पूरा चैप्टर यानी बहुत कम अब मैग्नेटिक मटेरियल्स बचा है। यानी मेरे ख्याल से सिर्फ
सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स में इस साल हमारे लिए पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बचे हैं। लो पूरा चैप्टर नियर अबाउट हमारा खत्म ही हो गया। अब इतना डिडक्शन के बाद में एक जो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, जो हर साल एक लंबा चैप्टर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस चैप्टर के बारे में एक बार बात करते हैं कि क्या रहा है क्या निकल चुका है। तो इसके बाद का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेन पेपर टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सबसे पहला टॉपिक जो कैंसिल हुआ है, दैट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 270 पे 12.6 करके जो टॉपिक है वो 273 तक एक एक्सप्रेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो पेज नंबर 273 तक का पूरा एक्सप्रेशन चला गया है। 273 पे जो जनरेटर का कंसेप्ट है 274 तक का वो भी चला गया है। 274 से लेके 276 तक एक जो कंसेप्ट है हमारा बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क का 12.8 का जो टॉपिक है 12.8 का वो भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। और पेज नंबर 281 पे जो टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो टॉपिक है उसका नंबर लिख सकते हैं 12.13, ये भी क्या हो चुका है हमारा, टोटली डिडक्ट हो चुका है। बाकी इसमें जो डिडक्शन है, इस चैप्टर का रिडक्शन जो है कैसा है, बहुत ही कम मिला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हमेशा, एसी करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका जो डिडक्शन है वो भी थोड़ा सा कम ही देखने को बेटा हमें मिला है। लेकिन जो डिडक्शन हुआ है वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए हमेशा की तरह पेज नंबर। और अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं, 13th चैप्टर है हमारा, दैट इज एसी सर्किट्स। अगला चैप्टर हमारा है 13th चैप्टर, दैट इज एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में सबसे पहले तो चला गया एसी जनरेटर, जो 13.2 नंबर का टॉपिक है एसी जनरेटर 288 पे ये पूरा चला गया, आरएमएस वैल्यू भी उसकी चली गई। तो उसके बाद में 297 पेज नंबर पे चलते हैं, ये बीच में का सब बचा है ये हम पढ़ेंगे बाद में। पेज नंबर 297 से लेके 299 तक जो पावर इन एसी सर्किट का एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हुआ करता था, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया है, पूरा कैंसिल हो चुका है। उसके बाद में पेज नंबर 297-299 ये हो गए कैंसिल, एलसी ऑसिलेशंस है अभी भी। 302 पेज नंबर 302 एंड पेज नंबर 304 जो शार्पनेस, यानी 13.9 टॉपिक जो है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस दैट इज क्यू फैक्टर, वो उन्होंने क्या निकाल दिया है, पूरा सिलेबस में से निकाल दिया। और चोक कॉइल का यानी 13.10 ये टॉपिक भी क्या कर दिया, निकाल दिया। तो थोड़े थोड़े टॉपिक यानी बेसिकली अनवांटेड एक्सप्रेशन बोर्ड क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। तो एसी सर्किट्स का ये सब क्या हो गया, निकाल दिया गया है। तो बाकी एसी सर्किट्स हमारे लिए है, पेज नंबर आपने नोट कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट मारते जाओ धड़ाधड़ और अपने तरफ रख लो, ये पेज नंबर मैंने बहुत शांति से निकाल के रखे थे, तो ये आपको काम में आ जाएंगे सब। ये सब आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जल्दी से। 14th चैप्टर से हमारा मॉडर्न फिजिक्स का सब पोर्शन क्या होता है, शुरू होता है। तो सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, एक पूरा टेबल का टेबल ही उड़ा दिया है। दैट टेबल इज फ्रॉम 14.2 पेज नंबर 314 पे जो टेबल है, कि जो 14.2 का टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इसके बाद में ये टेबल है वो, दैट टेबल इज कैंसल्ड। इसके बाद में 316 का फोटो सेल का जो 14.4 का टॉपिक है वो भी फोटो सेल का टॉपिक क्या कर दिया, उड़ा दिया है। एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो आखिरी एक्सपेरिमेंट रहता था कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे डेविसन एंड जर्मर का, वो भी क्या कर दिया है, 14.6 का वो एक्सपेरिमेंट भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ये 3 टॉपिक उन्होंने क्या कर दिए है, खत्म कर दिए। अब हम एंड की तरफ है बेटा, आखिरी 2 चैप्टर्स हमारे बचे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। 15th चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया। पहले ये चैप्टर एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिया करके हमारे सिलेबस में होता था, तो इसका भी रिडक्शन बहुत ज्यादा है बेटा। सबसे पहले तो कैंसिल हो चुका है इंट्रोडक्शन में जो एक्सपेरिमेंट होता था, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, जिसने रदरफोर्ड को उसके अजम्पशंस दिए थे, तो पेज हमारा वो एक्सपेरिमेंट क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है पेज नंबर 324 पे, जिसे 15.3 कह सकते हैं, वो हो गया रिड्यूस हो गया। एटॉमिक न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट है पेज नंबर 330 पे रहने वाला कंसेप्ट,
पेज नंबर 330 पे होने वाला कंसेप्ट जो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में 15.7 का, वो गया है पूरा 330 भी गया, 331 भी गया, 332 भी चला गया। आगे फिर बाद में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का 332 पे जो कंसेप्ट है 15.8 वो भी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। 333 पे जो है हमारे लिए रेडियो एक्टिव डीके का जो कंसेप्ट है 15.9 आखिर में जो टॉपिक है वो भी कैंसिल हो गया है और 15.9 पूरा चला गया। और 338 पेज नंबर पे जो टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी का, जिसे हम 15.11 कह सकते हैं, वो भी टॉपिक क्या हो गया है, पूरा चला गया है। यानी इसका भी रिडक्शन बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद का जो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है वो है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके लिए हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 16th चैप्टर हमारा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसका सिर्फ हमारे लिए एक ही टॉपिक गया है, एक ही टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, और वो टॉपिक है हमारे लिए जीनर डायोड। जीनर डायोड हम कह सकते हैं जो पेज नंबर आपको मिलेगा कहां पे, 347 पे, मेरा याद नहीं है, मैंने पहले देख लिया था। तो 347 पे जो जीनर डायोड है हमारा, जो 16.3.1 347 से लेके 350 तक, ये एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड, यहां तक ये पूरा टॉपिक क्या हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। 347 से लेके 350 तक ये पूरे टॉपिक क्या हो गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट पेपर भी हमने लिख लिया, सेकंड पेपर भी हमने लिख लिया, बाकी जो बचा है वो सब कुछ सिलेबस में है और सब कुछ आपको इस चैनल पे पढ़ने को मिलेगा। हम रोज एक वीडियो डालते हैं, चैनल आप शांति से देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेटा पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।